नमस्कार, न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। ग्वालियर में मजदूर संगठनों के साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने संभाग आयुक्त कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर अपनी मांग रखी। मजदूर कांग्रेस अध्यक्ष शांति कुशवाहा ने कहा कि आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को नियमित करने की मांग की, साथ ही कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये करने की मांग की। हमारी मांग मोदी सरकार से ये है, पहली बात तो आशा कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी जो भी कार्यकर्ता हैं इनको नियमित किया जाए, इनको नियमित नहीं किया जाता है। और दूसरी हमारी मांग ये है कि जो कर्मचारियों का जो वेतन होता है कम से कम 18,000 को किया जाए, और जो पुराने कर्मचारी होते हैं उनका पेंशन नहीं दिया जाता, बंद कर दिया जाता है, कम से कम उनका पेंशन भी 3,000 रुपये किया जाए, वो भी मंथली किया जाए। अभी क्या किया आपने, आज क्या किया? हमें मोदी सरकार, हम आज ज्ञापन देने आए हैं संभागायुक्त कमिश्नर को, और मोदी सरकार से हम ये मांग रख रहे हैं कि हमारी जो भी महिला कार्यकर्ता हैं, आशा कार्यकर्ता हो चाहे आंगनबाड़ी हो, इनको नियमित किया जाए, क्योंकि इनको आए दिन यही रहता है कि इनको निकाला जा रहा है, इनको हटाया जा रहा है, इनकी इतनी पूछ परख नहीं, जब सबसे ज्यादा जी घरों घरों में जाके काम करने वाली महिला यही होती है। ग्वालियर से भूपेंद्र साहू की रिपोर्ट, न्यूज आज। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहे न्यूज आज के साथ।